अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है आपको? ये देखिए, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। यहां पर लिखा होता है इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए। मान लीजिए आपने कोई भी शेयर खरीदा, ठीक। अब कभी कभी क्या किया जाता है, ऐसे फर्म क्या करेगी कि एक रिजर्व बनाती है, प्रॉफिट से रिजर्व बनाती है। किस पर्पज के लिए? मतलब ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया, अब मार्केट का रिस्क होता है। मार्केट का रिस्क है तो पैसे घटने की संभावना होती, बढ़ने की, दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। तो हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ रखा है। प्रूडेंस में ये बताया गया है कि हम अपनी एसेट को अननेसेसरी हाई करके नहीं कर सकते हैं। पता नहीं आपने ये वाली बात पढ़ी है कि नहीं, मैंने पढ़ाया तो था, जहाँ तक मुझे याद आता है वहाँ पर वास्तव में आपको ये पढ़ाया गया होगा, अगर याद है तो, कि एक्सपेंसेस बढ़ा के नहीं दिखा सकते और लायबिलिटी हम घटा के नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है? तो अब यहां पर हमारे इन्वेस्टमेंट के कम होने का खतरा है। बढ़ना, बढ़ने का खतरा नहीं होता है, खतरा किस बात का होता है? कम होने का। तो यहां पर एक रिजर्व बना लेते हैं, फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। अरे पूरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अल्टीमेटली क्या है, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है उसके लिए रिजर्व बनाते हैं। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को बता रहा हूं, जो वैल्यू बढ़ती है उसके लिए नहीं बनाते हैं, जो वैल्यू कम होती है उसके लिए बनाते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंट ने प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया है, ठीक ना? और आपको भी ये मैंने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर का है और रात 8 बजे रोज आता है और एक दिन नहीं आया तो मन में विचार अच्छे नहीं आते, खराब वाले आते हैं। क्या आपका मन ये सोच लेता खराब हो गया? जी नहीं। लेकिन हम जो वर्क करते हैं कि आदमी कहाँ गायब हो गया, हो सकता है मुख्यमंत्री रोके और उसका प्रमोशन हो रहा हो और गलती से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया या हो, उठा नहीं पा रहा हो, आए घर तो बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लेके आए, लेकिन मन में ये बात बना के हम इसलिए नहीं चलते हैं, आएगा तो अच्छी बात है, डिब्बा लेके आएगा तो खूब खाएंगे, रिश्तेदारों को भी बांटेंगे। लेकिन अगर कहीं उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है तब उसको मेरी जरूरत है। इसलिए हम प्रूडेंस, यही बुद्धिमत्ता, यही प्रूडेंस मतलब बुद्धिमत्ता होती है, यही कहती है कि जो रिस्क फैक्टर है उस पर आप काम करिए। अरे रिवार्ड तो तुम्हारा है ही, रिस्क को कम करने के लिए काम किया जाता है। तो यहां पर भी फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। अब मान लो ये 20,000 का हमने रिजर्व बना लिया। रिजर्व बनता कहां से है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट होता किसका है? पार्टनर का। बस समझा रही ना? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80,000 हो गई, इस रिजर्व को इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? अभी करेंगे, अभी उसमें मैं अभी थियरी बता रहा हूँ, मतलब एक मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने देखा बच्चों को जो बातें हैं सीए में पढ़ने, मेरा एक्सपीरियंस में बार बार क्यों कहता हूँ, मैंने देखा अगर पढ़ाया 12th पास करके आ, कितने नंबर मिला? 98 नंबर, 100 नंबर, पूछो हवा हवाई, नहीं तो आपके स्कूल में जो टॉपर बच्चा होगा उससे पूछ करके चेक कर लेना, मिल जाए तो पूछ लेना, उनको छोड़ो जिस मैडम ने पढ़ाया उनसे पूछ लेना, तो पता चल जाएगा ना। तो जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, अच्छा मान लो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी हुई 1,20,000 है, कोई बात नहीं, रहने दो 20, तो 20,000 पार्टनर को हम ये वाला बांट देंगे। गलत बोल दिया, मतलब गलत नहीं बोल दिया, दोनों एक हो गए। मान लो 1,15,000 है, नहीं तो बच्चा सोचेगा कौन सा 20,000 की बात कर रहे हैं, 1,15 है, 20 बढ़ जाएगा, वो 15 मत बांट देना, क्योंकि रिजर्व इज मेंटेन आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट में शेयर किसका है? पार्टनर्स का। तो किस रेशियो में है? एग्जिस्टिंग रेशियो में है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। और अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट भी हमारा उसी में चला जाए, इसलिए अभी आज सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये मैंने शुरुआत में बहुत बताया, वही बातें बार बार बताने कोई मतलब नहीं। तो ठीक
ठीक, ये समझ में आ रही बात। एक एग्जांपल लेते हैं और इस टॉपिक को पूरा करते हैं। स्टेशन 11 लिखा है, गौरव सौरव एंड कबीर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। अरे सब जगह 4:3:2 ही आ रहा है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, देखो आपके राइटर ने भी लिख दिया, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3:4। तो ये ओल्ड हुआ और ये न्यू हुआ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये कितना दिया है 18,000 और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 2 लाख। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दो लाख ठीक। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर कोई भी सूचना नहीं है तो क्या करना है, सोचिए, सोच के बताना है। इनको सबको पार्टनर में चुपचाप बांट देना ना। इसका क्या नाम था भाई? इन्वेस्टमेंट रिजर्व डेबिट कितना है 18,000 टू कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 8,000 टू। अब एस कैपिटल में लिख रहा हूं, सब पूरा नाम नहीं लिखूंगा। कितना केस कैपिटल 4,000 ठीक। अगला कह रहे हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख तब भी ये ट्रीटमेंट होगा क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है। फिर उसके बाद केस 3 लिख रहे हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000 इसकी वैल्यू 1,91,000 हो गई है, मतलब 9,000 रुपये का लॉस हुआ है, तब क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 9,000 टू इन सबकी कैपिटल जीज कैपिटल 4,000 टू एस कैपिटल कितना 3,000 टू केस कैपिटल कितना 2,000 ये होगा। जो लॉस आया उसको उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ठीक। अगला है वो कह रहे हैं अगले केस में कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है बेटा बचा नहीं था, बचा नहीं था 9,000 रुपये लॉस था ना, एक ही 191 हुआ था तो 9,000 का लॉस हुआ था, वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है? वो इन्वेस्टमेंट में हुआ, उसके बाद जो 9,000 बचा वो बट गया
अच्छा मैं गलत कह गया था क्या? अब अगला है 2,18,000, तो ये 18,000 अधिक है। अगर मैं इस असेट का रिवेल्यूएशन करूंगा तो 18,000 रिवेल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू जीज कैपिटल अकाउंट कितना 8,000 टू एस कैपिटल टू केस कैपिटल 4,000। अब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे? असेट बढ़ रही है तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, ठीक। और इस रिवैल्यूएशन को बांट देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू जीज कैपिटल। बस एक ही बात बार बार लिखनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता है। 8,000 टू एस कैपिटल, 6,000 टू केज कैपिटल 4,000। ये रिवेल्यूशन का जो आया था प्रॉफिट वो बट गया 2,18,000। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, मार्केट में डाउनफॉल आया, कितनी वैल्यू बची 1,73,000 रुपए, 27,000 कमी आ गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना मुझे, टू इन्वेस्टमेंट लिखना है कितना 27,000। ये मैं जान के पहले लिख रहा हूं, आपको भी लिखना होगा। अब हमारे पास फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना बचा हुआ है, तो वहां पर मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप पूरा नाम लिखेंगे, अकाउंट डेबिट 18,000, कितना 9,000 कम पड़ रहा ना, इसको कहेंगे रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इस रिवैल्यूएशन के डेबिट को खत्म करना है कैसे, सीधी सी बात है, क्रेडिट करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, डेबिट क्या करेंगे जीज कैपिटल, हाँ गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट बोलो 4,000, सौरव कैपिटल 3,000 और कबीर की 2,000। हो गया काम, ठीक। तो हमारा ये भी क्या कहते हैं, ये भी टॉपिक पूरा हुआ। एक और छोटी सी बात वो भी कर ही लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें क्या है, मान लो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए दिया गया है, यहां भी 9 लिख लेते हैं, ये 27 लिख लेते हैं, 27,000 इसी क्वेश्चन में इसको इनबिल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वास्तव में लॉस ही है, अब इसको खत्म हो जाना है तो क्या करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक्सपेंडिचर है, बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। खत्म करने के लिए क्या करना होगा, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 27,000, डेबिट क्या करेंगे गौरव कैपिटल 12,000, सौरव कैपिटल 6,000 और कबीर कैपिटल
आया कैसे देख लेना, 27,000 डिवाइडेड बाय 9, 4 + 3 + 2 ये आंसर आ गया 3,000। अब जहां 4 है वहां 4 से इंटू कर दो, जहां 3 है 3 से इंटू कर दो, जहां 2 है वहां 2 से गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा है तो वीडियो को फिर से आप चला के देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।